Wow, wow. Wow, this is nice. This is nice. तो ये एक जगह है यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई कि यहाँ पे फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं आप लोग आके। आप फोटो खींच रहे हो? अच्छा मैं सॉरी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ इस टाइम जुबा में और अनीता है मेरे साथ में। और आज इवनिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आज हम शाम को निकल रहे हैं, बिकॉज सुबह नहीं निकले। वीनू चला गया इंडिया और हमारा दिल किया नहीं आज सुबह जाने का, तो हमने सोचा चलो आज शाम को चलते हैं बिकॉज आखिरी वीकेंड है अनीता का भी और कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी साथ में आने वाले हैं, तो मैं कहा चलो उनके साथ भी गेट टुगेदर हो जाएगा और एक आउटिंग भी हो जाएगी इसी बहाने संडे की। सो आज शाम को निकल रहे हैं और कहीं जाते हैं, शाम को बैठते हैं एक दो घंटे के लिए, रिवर नाइल की तरफ जाते हैं या कहीं और देख जाते हैं, लेट्स सी। आज मेरा फेयरवेल करते हैं। चलिए आपको छोटा मोटा दिखाते हैं जुबा का जो भी कुछ है। गर्मी तो बहुत है इस टाइम पे, पर ठीक है निकलना तो पड़ेगा। चलते हैं और मिलते हैं आपको उस लोकेशन के ऊपर, लेट्स गो। लिखा हुआ ना कि निकलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। नहीं चलो, फिर भी एक से वीकेंड तो होता ही है यार निकलने के लिए, चलते हैं लेट्स गो। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं डाविंसी लॉज और आज शाम का टाइम, ये देखिए रिवर नाइल देखते ही बनता है यहाँ पे तो। और किसी भी टाइम आ जाओ यार, चाहे सुबह आओ, शाम को आओ, दोपहर को आओ, इसका अपना ही मजा है। और ये है डाविंसी लॉज और मेरे साथ में कुछ हैं यूएन की फ्रेंड्स वगैरह जो हमारे को इवनिंग में ज्वाइन किए इन्होंने आज, और अनीता भी साथ में है। और अनीता का है आज आखिरी संडे और देखो अनीता भी मज़े ले रही है इनके साथ में। सो चलो इन्जॉय करते हैं यहाँ पे आज की शाम को। और ये देखिए व्यू देखिए इवनिंग का, आए हाय जैसे लगता है कहीं यूरोप शोरों में बैठे हुए हैं, नदी किनारे हम लोग, लग नहीं रहा कि जुबा के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल है, लोग अभी आने स्टार्ट हुए हैं, सामने बैंड की तैयारी हो रही है और ये बेसिकली कॉन्गोलीज बैंड है और ये परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर। सैटरडे संडे मेरे ख्याल से डाविंसी में आते हैं, हम तो पहली बार इनको सुन रहे हैं, बट एक दो जगह पहले भी हम गए तो वहाँ पे भी ये चलता रहता है इनका प्रोग्राम। और अच्छा गाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं इनको देखने के लिए। और ऐसा कुछ व्यू है बाहर का, बोट भी खड़ी हुई है, आज तो कहीं नहीं गई। सो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कॉन्गोलीज ने और ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर, सब लाइक करते हैं एक्चुअली, बहुत बढ़िया गाते हैं ये लोग ना। बीच में लड़की है और ये दो सिंगर्स हैं साथ में। शाम होती जा रही है, लोग बढ़ते जाएंगे अब जैसे जैसे रात होती जाएगी। सो सब अपना अपना मज़ा ले रहे हैं, तो हम भी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे इंडियन खाना खाने के लिए। मेरी बियर हो गई है ख़त्म, तो मोहतरमा को मैंने बोला भाई एक बियर और ला दे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। सो अभी चलते हैं थोड़ी देर के बाद किसी इंडियन रेस्टोरेंट में और इन्जॉय करते हैं वहाँ जाके। और ऐसा कुछ माहौल है दोस्तों यहाँ का, वीकेंड टाइम हमारा आपने देखा ही है। ये देखिए रिवर नाइल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इवनिंग का मज़ा ही कुछ और है, कुछ गोरे भी बैठे हुए हैं पीछे, उनको ज़्यादा शूट नहीं कर सकता मैं, तो चलो अपने तक ही रखते हैं और बस निकलते हैं थोड़ी देर के अंदर यहाँ से। ओके बाय गाइस, अब हमारा यहाँ का हो गया, हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। तो ये देखिए रात हो गई है, बिल्कुल ही गाना चला हुआ है यहाँ पे, लाइव बैंड चला हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ आज दो हमारी गेस्ट भी हैं, साथ जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए गाना चला हुआ है और अब जाते हैं इंडियन खाना खाने के लिए, हम इनको ले जा रहे हैं इंडियन खाना खाने के लिए। ये एरिया है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, वाओ। और रात हो, ऐसा समा हो और ऐसे गाने चले हों, रिवर नाइल के किनारे हों, तो इसका आनंद ही कुछ और है भैया, सच में ही। लोग यहाँ पे फुल हैं यहाँ पे, अभी तो आने वाले हैं, अभी हम तो जा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। नियमो चोमो बन रहा है, क्या बढ़िया है देखना। अब चिकन है कि बीफ है ये नहीं पता, बीफ है मेरा ख्याल तो बहुत बड़ा है एक्चुअली। चलो हमारे लिए तो है नहीं, अभी शॉप इनकी खुली है यहाँ पे, अभी शॉप भी बंद नहीं की है, तो चलिए भाई चलते हैं, शॉप भी बंद कर रहे हैं ये लोग। ये है इनकी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की शॉप है यहाँ पे, वाओ। तो चलो हमारी फ्रेंड भी है हमारे साथ, उनके साथ हम जा रहे हैं, अभी जाएंगे हम रेंडिजियस, इसका नाम मुझे नहीं आता है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे खेल भी रहे हैं, ओ वाओ 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 वाओ, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेंडिजियस रेस्टोरेंट पब में और ये हमारी कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं। सो ऊपर चलते हैं, सेवन्थ फ्लोर के ऊपर ये है। सो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ पे, लेट्स गो। रेंडिजियस
How do you spell it? Different accents, different accents. इसका एक्चुअली नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो इसके लिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी, बट अच्छी जगह है, चलिए बैठते हैं ऊपर चल के. तो ये एक जगह है यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई कि यहाँ पे फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं आप लोग आके. अच्छा मैम, सो ये हम आ गए हैं ऊपर रूफटॉप पे 7th फ्लोर के ऊपर. यहाँ पे बहुत बड़ा इन्होंने स्क्रीन लगाया हुआ है और ये बाहर भी बैठने को है यहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए इस टाइम पे. और यहाँ पे लाइव बैंड भी चलता है इनका फ्राइडे सैटरडे वगैरह को, बट आज नहीं है, आज इन्होंने सिर्फ स्क्रीन लगाया हुआ है यहाँ पे. और ऊपर से अगर आप दिन में देखेंगे ये एपटेक का भी इनका कंप्यूटर का वो है, एपटेक देख रहे होंगे, एपटेक अफ्रीका, तो ये भी इनका कंप्यूटर का ये यहाँ पे सेंटर है एपटेक का. और ऐसा कुछ माहौल है इस टाइम रात का यहाँ पे. और अंदर भी बैठते हैं वो, एक्चुअली वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं जाके. मगर ये बाहर का है यहाँ पे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे. फ्रेंड्स, खाना वगैरह हम लोगों ने इन्जॉय किया अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ और बहुत ही बढ़िया रहा, मौसम बहुत बढ़िया है. ऊपर इस टाइम रात को जो है ना बहुत सुहावना हो जाता है यहाँ पे. और काफ़ी लोग आए हुए थे, अंदर पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी थी, तो अंदर का आपको दिखाता मैं उस टाइम पे. तो अंदर एक्चुअली शूट करना अच्छा नहीं लगता जब पार्टी वगैरह चल रही हो किसी की, तो बहुत मज़ा आया, सभी ने इन्जॉय किया. हमारी फ्रेंड्स वगैरह जो आई हुई थी इन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया इंडियन खाना. तो इस टाइम यहाँ पे तो थोड़ी देर के बाद निकलते हैं यहाँ से और इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक. और होप आप लोगों को अच्छा ही लगा हो. रात का ब्लॉग हमारा पहली बार मैंने बनाया है यहाँ पे, इतना कुछ है नहीं रात को बनाने के लिए. यहाँ स्क्रीन चला हो, यहाँ पे एक्चुअली प्रोग्राम चला होता है वीकेंड्स के ऊपर, आज स्क्रीन चला हुआ है. सो ऐसा कोई माहौल है यहाँ पे. तो मिलते हैं जल्दी आपको एक अगले ब्लॉग के अंदर. अनीता तो अभी जाने वाली है, बट चलो फिर भी मिलते हैं. सी यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम. सॉरी. सो गाइस, फाइनली हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया शाम रही हम लोगों की अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ. होप यू एंजॉयड यू ऑल, होप यू एंजॉयड इंडियन फूड, वेरी टेस्टी फूड. सो यू कम बैक अगेन, डिलीशियस सेम मेन्यू नेक्स्ट सैटरडे. सेम मेन्यू, काफी पसंद आया, सेम फोरम. हाँ, तो ये बोलते हैं अगली बार दोबारा से यहाँ पे आएंगे और एंजॉय करेंगे इंडियन फूड को. इतना स्पाइसी, थोड़ा सा स्पाइसी लगा इनको, थोड़ा सा, बट ठीक है, अगली बार हम बोल देंगे कुक को एंड ही विल कुक बेटर फॉर अस. And this was for today. So मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगले ब्लॉग के अंदर, नए ब्लॉग के अंदर. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जिन्होंने अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपको दिखाते रहें जुबा साउथ सूडान के अंदर से. सो टिल देन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.